छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करीब 150 साल प्राचीन पीपल वृक्ष के शाखाओं को काटने से सैकड़ों पक्षियों की मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें कि धमतरी शहर के सदर मार्ग में करीब 150 साल पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसमें प्रजनन काल पर आए पनडुब्बी प्रजाति की कॉर्मोरेंट पक्षियों ने घोंसला बनाया हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने बिना नगर निगम और वन विभाग की अनुमति से वृक्ष की शाखाओं को काट दिया है, जिससे कि सैकड़ों की तादाद में पक्षियों की मौत हो गई है। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृतक पक्षियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शहर अंदर पेड़ों को काटने और छांटने की अनुमति राजस्व विभाग देता है और पक्षियों के मारे जाने की सूचना निगम के पास नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर वन विभाग का कहना है कि वृक्ष की शाखाओं को काटने की किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा अभी जाँच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर FIR भी दर्ज की जाएगी। देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जब जांच पूरी हो जाएगी तो फिर हम लोग इस संबंध में FIR इशू करेंगे। तो अभी जांच प्रक्रिया अधीन है। अभी तक खबर ये है कि कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं अभी। देखिए, पहले प्रक्रिया हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो रहता है इनके वन विभाग द्वारा PUR इशू किया जाता है। FIR का प्रावधान वन विभाग में नहीं है, तो जो PUR है वो हमारा इनकी ऑफेंस रिपोर्ट है, हम लोग वो इशू करते हैं। इसमें परमिशन तो राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, हम इसमें बस मूल्यांकन करके उनको देते हैं। देखिए, आपके अभी आने के बाद मैंने अपने यहाँ के जो डिपार्टमेंट हेड हैं पेड़ वेड़ कटाई के लिए, उनसे बात किया है, तो अब उनका कहना है कि हमारे यहाँ निगम से कोई भी आदमी वहाँ गया नहीं है। और रही बात है पेड़ वेड़ काटने की अनुमति के लिए, तो उनको SDM से परमिशन लिया जाना था। अगर किसी प्राइवेट से आदमी ने काटा गया है तो SDM है सक्षम है उसमें कार्रवाई करने की। तो इसमें वन विभाग से अगर कुछ कार्रवाई किया जाना है तो किया जा सकता है। हाँ, तो वो सक्षम विभाग कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस हमारे विभाग से कोई गया ही नहीं है और ना ही हमारे विभाग में किसी प्रकार का आवेदन आया था उस पेड़ की छटाई करने के लिए, तो वो अभी डिपार्टमेंट हेड से भी इंक्वायरी करने से भी किया है। और रही बात अगर इलीगल उन लोगों ने कटाई किया है, तो वन विभाग और राजस्व विभाग इसमें कार्रवाई करने के लिए सक्षम।